गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे परम आराध्य तम निरपादित पूर्णवाराध्य गुरु पाद पद्म नित्य लीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरणों कमल में साष्टांग दंडवत प्रणाम अर्पण करते हुए उनके अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। तत्पश्चात रूपानुभव गौड़ी गुरुवर्ग अनंत कोटि वैष्णव वृंद विशेषतः सर्व स्वामी पाद सबके चरण कमल में दंडवत प्रणाम कर उनके अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ।
सपार्षद श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर प्रभुपाद जय युक्त हो उपस्थित पूज्यपाद भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज के चरण कमल में दंडवत प्रणाम पूर्वक उनकी कृपा प्रार्थना करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वृंद भक्त वृंद माताएं सबके चरण में अधम का यथाथ प्रणाम स्वीकार। नारद ऋषि ने युधिष्ठिर महाराज जी को बोले, हे राजन जुयंग नुलोके गढ़भूरी भागा कि हे राजन आप बड़े सौभाग्यवान हो। लेकिन प्रश्न आता है क्यों सौभाग्यवान बोले? इंद्रप्रस्थ के हस्तिनापुर के राजा इसलिए बोले? नहीं। क्या पंच पांडव मतलब जैसा भीमसेन अर्जुन नकुल सहदेव जैसा धुरंधर अस्त्रधारी शरीर बलधारी बपुधारी बलवंत भाई लोग थे इसलिए धन्यवान सौभाग्यवान बोले? नहीं। द्रौपदी जैसा जाग्ञसेन जैसा स्त्री थी इसलिए भाग्यवान बोले? युधिष्ठिर को भाग्यवान बोलने का क्या कारण है, क्यों भाग्यवान बोले? इसलिए बोले कि हे राजन आपके घर में भगवान कृष्ण विराजमान है इसलिए आप भाग्यवान हो। लेकिन केवल उसके लिए तो भाग्यवान सौभाग्यवान इसलिए नहीं हो, आप इसलिए सौभाग्यवान क्योंकि आपके घर में संत महात्मा लोग कृष्ण रहने के कारण दर्शन करने के लिए आते हैं, तो आप वैष्णव के लिए बड़ा भाग्य सौभाग्यवान हो। कृष्ण के लिए चाहे भाग्यवान हो सकते लेकिन वैष्णव आने से आप सौभाग्यवान हो। वैष्णव आने से क्या सौभाग्यवान है? क्योंकि शाम जब होती है कथा सुनने का समय जब आता है वैष्णव आपको कृष्ण की कथा सुनाते इसलिए आप सौभाग्यवान। इसलिए इसी जगत में यही लोग सौभाग्यवान हैं जिनके सामने वैष्णव बैठ करके कथा सुनाते हैं, ये लोग सौभाग्यवान है। ना कि धन संपत्ति घर परिवार बैंक बैलेंस गाड़ी घोड़ा कितने भी हो उसके लिए सौभाग्यवान कोई नहीं हो सकते। सौभाग्यवान इसलिए होंगे क्योंकि कथा सुनते हैं, और वही कथा सुनने के लिए अगर एकादशी तिथि पर और एकादशी व्रत करते हुए अगर सुनने के लिए सौभाग्य मिल गया तो उसकी बात उसका फल बोलना ही क्या है। सचमुच महाराज कितना सुंदर बता रहे थे, और आज सचमुच बड़ा आनंद आया। आप सब लोग एकादशी व्रत कर रहे हैं लेकिन बड़ा दुख भी लग रहा है क्योंकि महाराज कथा सुनने के जब आए पहला दिन बोले कि चार चीज छोड़ दो, द्यूतम पानम स्त्रिय सोना मांस मछली खाना छोड़ दो, और कोई कोई आए बोले तो फिर हमने बोल दिया कि नीरव में बैठना छोड़ दो, कुछ हरे कृष्ण बोलो नाम करो, और अगला दिन फिर आज महाराज बोल दिए बाबा अन्न छोड़ना पड़ेगा तब तो गया। क्योंकि एक तीर्थ यात्री थी उन्होंने गए हरिद्वार, पहले हरिद्वार में जब स्नान किए आनंद नाम के घाट में तब बोले बाबा ब्राह्मण लोग को बोले पूरे तो लोग को यहाँ पर क्या छोड़ा, क्योंकि तीर्थ आने से भी छोड़ना पड़ता है। उन्होंने तो बहुत सोचा क्या छोड़ूंगा क्या छोड़ूंगा, कलिजु के प्राणी के लिए छोड़ना मरना बड़ा तकलीफ है। ये उन्होंने तो बड़ा दधीचि ऋषि ने अपना जीवन दान किया, कितने राजा ऐसे अपना जीवन को दान कर दिए, कलिजु के प्राणी जो है वो छोड़ नहीं सकते और मर नहीं सकते, ये दोनों को उनका बड़ा भय है। तो इसलिए उन्होंने जो छोड़ने के लिए बात बताया उन्होंने बड़ा तकलीफ में आ गया, हे भगवान क्या छोड़ना पड़ेगा। उन्होंने बड़ा सोच सोच करके वो एक खट्टा का फल, उसको करमंगा बोलते हैं हमारे उड़िया में, इसमें क्या बोलते पता नहीं, हिंदी में करमंगा बोलते है ना, वो कभी नहीं मिलता कोई नहीं खाते है। हाँ उन्होंने बोला कि मैं वही फल को छोड़ दिया। ठीक है, दोस्त ने पूछा भाई क्या छोड़ा तुमने, अरे कभी खाने के लिए नहीं मिलता है उसको छोड़ दिया। चलो तो उन्होंने इलाहाबाद में आके पहुंचे, प्रयाग में स्नान किया, ब्राह्मण ने फिर पूछा भाई कुछ छोड़ो इधर, छोड़ना पड़ेगा फिर क्या छोड़ूंगा सोच सोच कर बोला ठीक है बेर फल छोड़ दिया। उन्होंने पूछा अरे बेर मुझे पता प्रिय नहीं इसलिए छोड़ दिया। छोड़ते दो चार तीर्थ में छोड़ा, जब जगन्नाथपुरी जाके पहुंचे, आप लोग जो जगन्नाथपुरी गए होंगे पता होगा जगन्नाथपुरी ब्राह्मण थोड़ा अटपटे होते हैं, तो उन्होंने पकड़ा ए क्या छोड़ा बोलो, श्वेत गंगा में जो स्नान किया पूछा क्या छोड़ दिया, उन्होंने बोला छोड़ ही दिया। ऐसा बोलने से नहीं पता चलेगा भाई, अब बताओ क्या छोड़ा। उन्होंने बोला भाई देखो
सब जगह गया था, सब सब सामान छोड़ छोड़ के आया था, इधर तुमने भी पूरा अच्छी चीज छोड़ दिया। क्या छोड़ा बोलो ना भाई? तीर्थ आना ही छोड़ दिया। अरे भाई तीर्थ के आओगे तब तो छोड़ना पड़ेगा ना, तो तीर्थ आना ही छोड़ दो। तो इसलिए कोई कोई अगर ऐसा सोच ले भाई कथा में जाओ तो आज बोलेंगे दीव तो छोड़ो, पानम छोड़ो, स्त्री छोड़ो, और ये हिंसा छोड़ो, मांस मछली छोड़ो, काला है एकादशी अर्न छोड़ो। इतना छोड़ना क्या है, कथा को ही छोड़ दो मत आओ। नहीं नहीं ऐसा नहीं, ये जो छोड़ने के बाद कहा जाता है, हम लोग छोड़ने के लिए भी नहीं कहते, जोड़ने के लिए कहते हैं। बुरा चीज छोड़ो, अच्छे चीज के साथ जोड़ो, तो बस हो गया भजन। आदत को परिवर्तन कीजिए, बस हो गया भजन। बस आदत को बदला दीजिए, बकबक कर रहे थे उसको छोड़ दो, हरिनाम करो, जोड़ दिया ना, छोड़ा थोड़ी, बुरा चीज छोड़ दिए, जोड़ दिए। और चाय पी रहे थे उसको छोड़ दो, दूध पियो। इसलिए सज्जन छोड़ना मतलब क्या है, भगवान की ओर कदम को बढ़ाना, एकादशी का तिथि का संकल्प है। और वैष्णव लोग इतना कृपालु होते हैं, जिसको पकड़ते उनको कराही देते एकादशी। हमारे एक बार हमारे याद आता है कि महाराज जी हमारे तीर्थ यात्रा करने के लिए लिए थे, एक डीजी साहब गए थे, उन्होंने बोले महाराज जी हम ऐसा नहीं जानता हूँ, एकादशी वगैरह से हमारे द्वारा नहीं होगा, क्योंकि महाराज जी का संकल्प है एकादशी दिन को हम नहीं खाएंगे, नहीं भी देंगे। और ना डीजी साहब बोले देखिए आप जो कुछ कर दे लेकिन हमको खाना देना पड़ेगा। महाराज ठीक है कोई असुविधा नहीं, खाना मिलेगा। उन्होंने अत्यंत सुंदर रूप से कुट्टू आटा की पकड़ा बनाए, दूध का सब कुछ, बर्फी बनाए, कितना सुंदर सुंदर वैरायटी का सामान बनाए। और जब एकादशी का प्रसाद, अनुकल्प प्रसाद उसको कहते हुआ, तब तो डीजी साहब प्रसाद पाने के बाद बोले महाराज जी बीच बीच में एकादशी बनाओ। महाराज जी बोले डीजी साहब बीच बीच में एकादशी नहीं आता है, वो तो 15 दिन के बाद कृपा करने के बाद, कृपा करने के लिए आते हैं। तो जैसे भी हो महाराज लोग बड़े चतुर होते हैं, जैसे तैसे एकादशी व्रत कराते हैं। आए थे भागवत कथा करने के लिए, बाव अरे बाव एकादशी करा दिए, और हरि नाम ले लो, जप कर लो, तिलक कर लो। भाई कथा करने के लिए आए तो कथा कीजिए, अब इतना करना क्या जरूरत है? नहीं, वैष्णव कृपालु होते हैं। कबे जीवे दया हईवे उदय, कबे जीवे दया हईवे उदय, निज सुख भूली सुदिन हृदय, भक्ति विनोद करिया विनय, श्रीआज्ञा टहल करिवे प्रचार। ये सब नित्यानंद प्रभु के दूत है, नित्यानंद प्रभु थे चैतन्य महाप्रभु के, चैतन्य महाप्रभु के पार्षद नित्यानंद प्रभु। उन्होंने जगाई माधाई ने लोटा में मटकी में मार करके माथा फोड़ दिया। नित्यानंद प्रभु बोला कि मारी वो मटकी रा काना ता बोले कि प्रेम दिवो ना, तुम क्या मुझे मटकी मार करके माथा फोड़ देगे, इसका मतलब कि तुमको मैं प्रेम नहीं दूंगा, देख करके ही छोड़ूंगा। इसलिए ये वैष्णव होते हैं, अपना सुख साधन सब भूल करके देश विदेश सब जगह जा करके भगवान के नाम को प्रचार करते हैं। और सब जीव जो तरस रहे जगत में, इसी माया संसार में, सबको कृष्ण की ओर लाने के लिए ये तरीका है। भाई हरिनाम थोड़ा कर लो, एकादशी कर लो, जीवन सुधर जाएगा, ये उद्देश्य है। हमारे गुरुपाद पद्मश्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी ने हलांड जब गए थे तो वहां के लोग बोले कि आप एक गरीब देश से आए हैं, कुछ पैसा लीजिए। वो बोले भगवान मैं गरीब देश से आया, मैं गरीब भारत से नहीं आया, मैं धनी भारत से आया हूँ। जो देश में लेने के लिए नहीं आया, मैं देने के लिए आया हूँ। राम नाम कृष्ण नाम में जो देश धनी है, वही धन को मैं देने के लिए आया, लेने के लिए नहीं आया। तो लोग बोले ठीक है आप लेकर कुछ मंदिर बनाएंगे, पैसा कुछ लीजिए। वो बोले मैं काठ पत्थर की मंदिर बनाने के लिए नहीं आया। गुरुदेव बोले मैं तुम्हारे हृदय में मंदिर बनाने के लिए आया, और हृदय तब शोधन होगा, हृदय तब शोधन होगा जब आप लोग हरिनाम करेंगे।
जब आप लोग एकादशी करेंगे। इसलिए एकादशी व्रत करना, हरिनाम करने में महाराज जी का कोई स्वार्थ नहीं है, किसने कमीशन नहीं देगा, इंक्रीमेंट कोई गवर्नमेंट नहीं बढ़ाएगा कि अरे इतना लोग एकादशी करा दिए सरकार ने इंक्रीमेंट बढ़ाएंगे, ऐसा बात नहीं है। हाँ, कमीशन तो जरूर मिलेगा और नित्यानंद प्रभु प्रसन्न होके जरूर उनके हृदय में आविर्भूत होंगे। नित्यानंद प्रभु तो कृपा करेंगे क्योंकि वो कमीशन जरूर मिलता है जिन्होंने। इसलिए आप लोग की मेहनत करो एक के बाद दूसरे को एकादशी कराने के लिए, क्योंकि एकादशी आप लोग के यहाँ के भक्त है नामदेव महाराज, आप लोग जानते होंगे बड़ा भक्त थे भगवान की, एकादशी के ऊपर बड़ा निष्ठा था, निर्जला एकादशी करते थे, दशमी तिथि को बिल्कुल नहीं पाते थे, एकादशी तिथि को निर्जला करते थे, पानी भी नहीं पीते थे और द्वादशी में एक बार पा करके पारण करते थे। लेकिन एक बार के ब्राह्मण ने आकर के पहुंचा, जिद्दी ब्राह्मण, लेकिन बिल्कुल खाना पीना नहीं मिला उनको। नामदेव के दरबार में आकर के पहुंचे घर में, हरे कृष्णा बाबा कुछ मिलेगा, भूखे ब्राह्मण हूं अन्न चाहिए। नामदेव बाबा बोले, बाबा देखो आज एकादशी है, फल प्रसाद ले लीजिए, जो कुछ ले लीजिए, लेकिन हम तो अन्न दाल नहीं दे पाएंगे, रोटी सब्जी नहीं दे पाएंगे आज। तो उन्होंने बोले, नहीं देखो बाबा हम कंगाल है, आज तो चार दिन वहां नहीं खाया, अगर नहीं मिलेगा तो मर ही जाऊंगा। तो पड़ोसी वाले बोले, भाई आपका क्या ऐसा व्रत रखा है, एकादशी क्या दिख रहा है कि व्यक्ति मर रहा है, ब्राह्मण आपके द्वार पर मरेगा, आप नहीं दोगे, कुछ तो कुछ दे दो। ब्राह्मण बोले, नामदेव बाबा बोले, देखो पड़ोसी लोग बुला रहे, बाबा हमारे घर पे आइए, हम लोग को देते आप ले लीजिए। बोले, नहीं आज मैं उनके घर से ही लूंगा। लेकिन नामदेव बाबा बोले, देखो हम बिल्कुल नहीं दूंगा, आज जैसा भी हो जाए चावल हम बिल्कुल नहीं देंगे, फल ले लीजिए। इसका मतलब है उस दिन अन्न खाने से जो पाप है वो देने का भी वही पाप, इसलिए घर में की जो कथा सुनाएंगे भगवान प्रकट होगी इसको देख कर। मतलब एकादशी का दिन अन्न खाओगे जो पाप लगेगा, अगर किसी दूसरों को दोगे तो उसको वही पाप लगेगा, इसलिए नियम है एकादशी का दिन घर में अन्न बनानी नहीं चाहिए, कथा से प्रमाणित हो। तो नामदेव बाबा दिए ने, फिर भगवान ये ब्राह्मण देवते धीरे धीरे नीचे गिरने लगे, जमीन पर लोटपट खाने लगे, बाबा कुछ भी दे दो नहीं तो मर ही जाऊंगा मैं, इतना दिन वह खाया नहीं। नामदेव बाबा बोले, देखो जो कुछ हो जाए हम एकादशी व्रत रखा है बिल्कुल नहीं देंगे। लेकिन परीक्षा कैसे देखिए, तो नामदेव बाबा के सामने ही ब्राह्मण ने शरीर छोड़ दिया। अभी नामदेव बाबा का तो सब लोग बुरा बोलने लगे, हे भगवान कैसा भक्त है, बड़ा भक्त दिखाते हैं, अन्नदान नहीं किया, ब्राह्मण आए खाने के लिए मांगे मर गया, धिकार तुम्हारा एकादशी व्रत को। लेकिन नामदेव बाबा सुने नहीं क्योंकि शास्त्र में गुरु वाणी में विश्वास है। ब्राह्मण को लेकर के जब अर्थी में गए और वहां पर तो स्वयं साक्षात भगवान ही प्रकट हो गए, क्योंकि भगवान ही ब्राह्मण के रूप में आए थे उनको परीक्षा करने के लिए। बोले, नामदेव तुम्हारे जो एकादशी के प्रति निष्ठा है मैंने देखा, मैं तुम्हें बड़ा प्रसन्न हो गया सचमुच, इसीलिए एकादशी को व्रत को, क्योंकि एकादशी व्रत और कुछ भी नहीं है, साक्षात भगवान एकादशी रूप में प्रकट होते हैं, एकादशी रूप में प्रकट होते हैं। माधव तिथि भक्ति जननी जतने पालन करी कृष्ण बसती बसती बोली परम आदरे बरी। कहते माधव तिथि एकादशी व्रत का, एकादशी द्वादशी हरिवास रो, उनका दूसरा नाम है हरिवास, माधव तिथि, इसी तिथि में साक्षात भगवान कृष्ण एकादशी तिथि के रूप में प्रकट होते हैं। तो एकादशी व्रत करना मतलब भगवान के उपवास, उप मतलब समीपे, वास मतलब रहना, भगवान के साथ ही रहना होता है। थोड़ा सा नियम पालन कर लो, अगर निर्जला कर नहीं पाते है जल ले लीजिए, अगर जल भी नहीं ले लेते है तो फल ले लीजिए, अगर फल भी लेकर नहीं होता है तो अनुकूल भी प्रसाद की व्यवस्था है। जैसा महाराज जी बताए होंगे, कल तो बता रहे थे ना, घी में या बादाम का तेल में पटाटो, जो आलू मिट्टी का आलू, कच्चा केला, ये सब डाल करके सब्जी बना दीजिए, नमक नया पैकेट डालना और नया पैकेट से रसोई का रूम अच्छी तरह साफ करना, दशम की तिथि पर ब्रश करके सोना है,
और एकादशी को सब्जी ऐसा बना करके खा लेना, पेट भर के खाइए, कोई असुविधा नहीं। अगर काम करने के लिए जाना पड़ता है लेकिन चावल दाल मत खाइए। और एक एकादशी व्रत किया तो भगवान उनके ऊपर पूरा ऋणी बन जाते हैं, भगवान उनकी, इसलिए पुत्रदा एकादशी, कामदा एकादशी। पुत्रदा मतलब नालायक पुत्र नहीं होगा, कोई अगर एकादशी व्रत कर का संकल्प करके उनको पुत्र होगा तो पुत्र किसको कहते हैं? पुंग नामक नरकात त्रायत इति पुत्र। पुंग नामक एक नरक है, उनसे जो नरक से उद्धार कर देता है, यानी कृष्ण भक्त जरूर पैदा होगा, ऐसा कृष्ण भक्त है, पुत्र है। अगर ये पुत्र प्राप्ति के लिए एकादशी व्रत करने से सब प्रकार के फल मिलता है, इसलिए एकादशी व्रत को जरूर करना चाहिए। एक महाराज थे अम्बरीश महाराज, भागवत तो उनके कथा आती है। अम्बरीश महाराज राजा थे। आजकल तो हम लोग क्या करते पता नहीं, हमको समय बिल्कुल ही नहीं होता है, कुछ भी करो टाइम नहीं, टाइम नहीं। लेकिन राजा थे, महाराज थे, उन्होंने लेकिन एकादशी के व्रत था। आजकल ये क्रिश्चियन लोग आगे संडे को हॉलीडे बना दिए, लेकिन हमारे परंपरा में एकादशी तिथि को छुट्टी दिन होता था, एकादशी को छुट्टी होता था, एकादशी। इसलिए एकादशी को छुट्टी इसलिए होता था क्योंकि 8 साल से 80 साल तक भगवान को जाने के लिए उसी व्रत लेना पड़ता था, उसी तिथि में एकादशी को इसलिए छुट्टी होता था। सब लोग हरिनाम करेंगे, कथा सुनेंगे, इष्ट गोष्ठी बैठ करके एक जगह संकीर्तन करेंगे, हरी कथा सुनेंगे, उसके लिए तो एकादशी व्रत है, तो व्रत करते थे। तो उन्होंने राज्य में भी ऐसा किए थे, सब लोगों को एकादशी करना है और खुद भी एकादशी। एकादशी मतलब एकादश इंद्रिय के द्वारा भगवान की सेवा। एकादश इंद्रिय, दस इंद्रिय होता है, पांच कर्मेंद्रिय, पांच ज्ञानेंद्रिय और एक होता है मन। ये एकादश इंद्रिय के द्वारा भगवान की सेवा करना क्या है? सबे पुंस मन पदा, सबे मन कृष्ण पदार बिंदो रवचांश वैकुंठ गुणान वर्णने। हाथ के द्वारा मंदिर मार्जन आदो, मंदिर मार्जन करना। आंख के द्वारा भगवान की रूप को दर्शन करना। कान के द्वारा अच्युत कथा दो, अच्युत की कथा को सुनना। और पादानुसर्पण, पाद के द्वारा मंदिर तक, हरि कथा स्थल तक जाना। हाथ और जीवा के द्वारा भगवान की कथा कीर्तन करना। बस सारी इंद्रिय के द्वारा भगवान की सेवा करना एकादशी व्रत का फल है। वो एकादशी व्रत जो करते हैं, एक बार उन्होंने एकादशी व्रत कर रहे थे, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी चीज है पारण। पारण मतलब क्या है? आगामी काल जैसा द्वादशी तिथि आएगी, उसी द्वादशी तिथि में उसको व्रत को खुलना है, तोड़ना है, क्योंकि व्रत धारण किए थे और व्रत को खोलना है, मतलब उसका टाइम होता है। उसी टाइम के अंदर ही जगन्नाथ जी का निर्माल्य प्रसाद अगर हो, सूखा चावल मिलता है रेड कलर पैकेट में, उससे थोड़ा लेना है, लेकिन एकादशी की तिथि पर नहीं लेना, प्रसाद होने पर भी, क्योंकि वैष्णव लोग तो रोज ही प्रसाद लेते हैं, इसलिए प्रसाद नहीं लेना। वो अन्न प्रसाद नहीं लेना, अनुकल्प प्रसाद ले सकते। द्वादशी की तिथि पर पारण जरूर करना है। पारण ठीक टाइम पर अगर नहीं करेंगे तो एकादशी का फल राक्षस लोग को मिल जाएगा, इसलिए द्वादशी को पारण जरूरी है। तो आगामी काल पारण का टाइम कितना है? सुबह सूर्य उदय के बाद 9:34 तक, सूर्य उदय से 9:30 अंदर ही आप लोग को पारण कर लेना, मतलब चावल प्रसाद ले लेना, तो व्रत खुल जाएगा। तो उसी दिन वो निर्जला कर रहे थे, दुर्वास ऋषि आकर के पहुंचे अम्बरीश महाराज के पास। अम्बरीश महाराज बोले, देखिए आप जाइए स्नान करके जल्दी आइए, आज मिल करके द्वादशी पारण प्रसाद करेंगे। हाँ, द्वादशी के तिथि पर कोई अगर वैष्णव आते हैं, यहाँ तो हमारे बहुत अच्छा मठ है, तो श्रीनिधि प्रभु भी रहते हैं और भक्त लोग रहते हैं, कि जो एकादशी के तिथि पर आप लोग पाना था चावल दाल थोड़ा सा सब्जी एक दो, एक दस पांच दस रुपया हो रख करके वैष्णव के, हरिगुरु वैष्णव की सेवा के लिए उसको देना है, वैष्णव के लिए दे करके भगवान की सेवा के लिए फिर पारण करना, नहीं तो रख लेना, कोई आने के बाद उनको दे देना वैष्णव को। जैसे यहाँ पर हमारे के मठ है, जैसे ये प्रभु जी है, हरे भैया श्रीनिधि प्रभु, ये प्रभु जी हमारे यहाँ, पहले तो मठ था, अभी ये मठ थोड़ा दूर चला गया। जैसे नियम है दूसरे दिन जब कुछ संतों को खिला करके जब आप व्रत खोलोगे
तो व्रत का पूरा फल मिलेगा, आधा नहीं पूरा फल मिलेगा। अभी कथा में कैसे दुर्वासा जी कताएगा, इसलिए जैसे आप लोग जैसे ये व्रत खोलने से पहले आप थाला में जैसे थोड़ी आटा हो, चावल हो, चीनी है, थोड़ी इसमें हल्दी है, जो कुछ खाना बनने में जो कुछ लगता है वो थाला में उसको सीधा कहते हैं उसको सजा करके रख लेना और उसको प्रणाम में थोड़ी सी रख लेना और उसको ठाकुर को सामने रख लेना। और ये भावना से मैं संतों को कुछ भोजन करा दिया है, संतों को कुछ भोजन करा दिया, फिर आप लोग अपना व्रत को खोल लेना। और ये आते हैं द्वादश को आते ही यहाँ पर ये घर घर में जाते हैं, जा करके उसको ले करके साधु लोग रोज जो भजन करते हैं उनके सेवा में लग जाती है। इसलिए ये प्रभु जी आएंगे, जब आएंगे तब आप इनको दे देना, ये लेकर के ठाकुर की सेवा में संतों की सेवा में लगा देंगे, फिर आपका व्रत करने का पूरी फल मिल जाएगा, ठीक है ना। ये काम को थोड़ी थोड़ी कर लेना आप लोग, और ये बाबा को हो सकता अपना एड्रेस दे देना है, अपना नंबर दे देना, आप घर घर में चले जाएंगे, आपको आने का जरूरत नहीं, आपका घर घर में चले जाएंगे और इसको संग्रह करके मंदिर में ले जाएंगे, ठीक है। तो ये जो वैष्णव के लिए देना, जिस दिन अगर वैष्णव घर में आ गए द्वादश की तिथि पर तो महामंगल है। अम्बरीश महाराज तो बड़े खुश हो गए, आज हमारे बड़े सौभाग्य है, दुर्वासा ऋषि जैसा आ गए, तो उनको बोले कि महाराज जी आप स्नान करके आइए, द्वादशी का टाइम जा रहे हम लोग पारण करेंगे। तो द्वादशी को लेकिन पारण का मुहूर्त तो जा रहा था, दुर्वास ऋषि ने आने में देर कर दिया, उन्होंने दूसरे ब्राह्मण लोग को पूछा कि क्या कर सकते, घर में वैष्णव आए और पारण का टाइम जा रहा है। तो सब लोग बोले आप ऐसा चरणामृत लेकर के पारण कर दीजिए और जब वैष्णव आएंगे तब दुर्वास ऋषि आएंगे तो मिल करके प्रसाद पाना, सब उन लोगों को प्रसाद देना। तो लेकिन दुर्वास ऋषि तो दुर्वासा ही है, क्रोध के मूर्तिमंत स्वरूप, और दुर्वास ऋषि जब आ गए जोगोड़ में पता लग गया कि उन्होंने चरणामृत ले लिया। राजा तुमने मुझे अतिथि के रूप में बुलाया, तुमने बड़ा अपराध किया मेरा चरण में, आपको मैं तस नस कर दूंगा, बोल के कृता राक्षसी को प्रकट किए। लेकिन भगवान भक्त के साथ साथ रहते, जैसा आंख के साथ आंख को पलक जैसा सुरक्षा देती है, भगवान भक्तों के साथ सुरक्षा देते हैं। तो भगवान के सुदर्शन चक्र प्रकट हो गए, कृत्या राक्षसी को बद्ध कर दिए, दुर्वासा ऋषि के पीछे पीछे चलने लगे, इतना तेज हो रहा था, वो जल रहे थे, दुर्वासा दौड़ते हुए भागे, कहां चलेंगे कहां चलेंगे। ब्रह्मा के पास पहुंचे, ब्रह्मा जी देखा कि दुर्वासा ऋषि पीछे सुदर्शन चक्र भगवान के आयुध, बाबा रे बाबा विष्णु वैष्णव अपराधी, राम राम चलो चलो यहाँ से भागो। ब्रह्मा जी बोले देखो हम कुछ कर नहीं सकते, चाहे हम भी आप मैं आपका पूर्वज हूँ लेकिन फिर भी मैं कुछ कर नहीं सकता, आप आगे जाओ। दुर्वास ऋषि आगे गए, शंकर जी के पास पहुंचे, शंकर जी बोले मैं वैष्णव हूँ लेकिन होने पर भी हमको भी नहीं छोड़ता विष्णु वैष्णव अपराध, आपने कहा अपराध किया, जिनका चक्र है उनके पास पहुंच जाइए। तो भगवान विष्णु के पास पहुंचे, भगवान विष्णु के पास पहुंचने के बाद भगवान बोले देखो दुर्वासा जी मैं भी अधीन तत्व हूँ। दुर्वास ऋषि बोले आप तो सर्वतंत्र स्वतंत्र है, आप भी परतंत्र, आप भी अधीन तत्व कैसे हो गए, ना हमें भी पराधीन हो, आप किसके पराधीन हो, ना अहं भक्त पराधीन हो, यह स्वतंत्र साधु ही ग्रस्त हृदय भक्ति भक्त जन्म प्रिय, मैं भक्तों का पराधीन हूँ। तो आप जहाँ भूल किया, गलत किया, अपराध किया, वहां ही माफी मांगना पड़ेगा, लेकिन तो इसलिए आप हमारे पास आने से कुछ काम नहीं होगा, आप दुर्वास ऋषि के पास जाइए। तो अम्बरीश राजा के पास जाइए, अम्बरीश दुर्वास ऋषि ने घूम करके अम्बरीश का महाराज के पास जब पहुंचे तब तक सुदर्शन चक्र ऐसा पीछा कर रहा, लेकिन अम्बरीश महाराज के भक्तों की दीनता कैसा देखिए, एक पैर में खड़े होकर के हाथ जोड़ करके क्षमा प्रार्थना करे, हे प्रभु मेरे द्वारा गलती हो गया। वास्तव में जो सज्जन होते हैं ये अपना गलती को ढूंढते हैं, हर समय दोष नहीं होने पर अपने को दोषी मानते हैं, और जो दुर्जन होते हैं वही हर समय दूसरे को दोष देता है, हर चीज में दूसरे को दोष देगा। इसलिए अब्दुल कलाम को किसी ने पूछा था आपका लाइफ में बताओ आपने सबसे इजी और सबसे डिफिकल्ट क्या आपने फेस किया, उन्होंने बोला सबसे इजी काम है दूसरे के दोष को निकाल देना, और सबसे डिफिकल्टी वर्क है अपना दोष को निकालना।
तो लेकिन भक्त जो है अम्बरीश महाराज हाथ जोड़ के खड़े थे। जब दुर्वास ऋषि आ गए उन्होंने बोले हे अम्बरीश राजा अब मुझे ही बचाए, मुझे माफ कर लीजिए, हमारे द्वारा गलती हुआ। उन्होंने बोलने से पहले उन्हें चरण में गिर पड़े, उन्होंने प्रार्थना किया हे चक्रराज सुदर्शन, हे प्रभु, अगर मेरा जीवन में मो कोई यज्ञ पुण्य आदि काम किया, दान पुण्य तपस्या आदि किया, तो उसके बदल में मैं सबका फल देता हूँ, चक्र सुदर्शन उनको माफ कर दीजिए। लेकिन चक्र सुदर्शन गए नहीं। फिर उन्होंने बोले कि अगर मेरा जीवन में कहीं मैं यज्ञ किया हूँ, सारी यज्ञ का फल देता हूँ, हे सुदर्शन चक्र उनको माफ कर दीजिए। लेकिन सुदर्शन चक्र गए नहीं। लेकिन उन्होंने जब बताया अगर मेरा जीवन में कोई मैं एक एकादशी व्रत अच्छी तरह किया हूँ, कोई एकादशी का फल को मैं देता हूँ, आप सुदर्शन चक्र उनको माफ कर दीजिए, तो सुदर्शन चक्र चले। तो इसलिए एकादशी व्रत जो होता है ये भगवान की साक्षात व्रत है। एकादशी व्रत करने से जीवन में कोई व्रत करना नहीं पड़ेगा, केवल एक एकादशी व्रत कीजिए। नहीं तो माता जी लोग कभी कभी ज्यादा बीमारी हो जाते हैं, सोमवार को कुछ व्रत किए, मंगलवार को कुछ व्रत किए, बुधवार को और कुछ व्रत किए, सोमवार को चले गए शिव मंदिर में, मंगलवार को चले गए हनुमान की मंदिर में, बुधवार को चले गए बुधई मंदिर में, गुरुवार को चले गए लक्ष्मी मंदिर में, पूरा 7 दिन में। लेकिन 33 कोटि देवता और 7 दिन में तो 7 चले गए, बाकी सब रुठने जाते हैं। हाँ, एक बार तो एक राजा बोले कि देखिए पूरा एक एक तिलक लगा जा रहे थे कि वैष्णव आए तो हरे कृष्णा कुछ भिक्षा मिलेगा। वो बोले बाबा थोड़ा रुकिए, मैं हनुमान को थोड़ा पूजा करके आ रहा हूँ। हनुमान के 40 पाठ किए, फिर थोड़ी देर हरे कृष्णा कुछ मिलेगा। वो बाबा सेठ जी बोले कि थोड़ा सा रुकिए, संतोष माँ की थोड़ा पूजा करके आ जाता हूँ। कुछ देर के बाद हरे कृष्ण कुछ मिलेगा। वो बोले शिव जी का अभिषेक कर लेता हूँ फिर आ जाता हूँ। कुछ देर बाद फिर हरे कृष्ण कुछ मिलेगा, थोड़ा रुक जाए महाराज जी, तारिणी माता को थोड़ा पूजा करके आ जाता हूँ। संत वैष्णव चले गए, जा करके पास में नदी था वहां से वहां चले गए। सेठ जी का पूजा पद्धति सब कुछ हुआ, वापस आए बोले वैष्णव आए थे कहाँ गए, वो कहाँ वो नदी के किनारे कहाँ गए, आप जाइए। सेठ जी जब गए संत महात्मा क्या कर दे, वैष्णव एक एक गाढ़ा बना रहे थे, एक फीट का पूरा 100 गाढ़ा बना दे, गर्त बना दी। सेठ जी बोले महाराज जी इधर क्या कर रहे हैं, क्या करूं, और आपके घर में गया था थोड़ा पानी पी लूं और आपने तो दिया ही नहीं, इसलिए आ गया नदी से गाढ़ बना करके पानी उठा करके पी लूं। बोले महाराज जी अगर पानी पीना है तो इतना 100 गाढ़ा क्यों बनाई, इतना मेहनत अगर एक में करते एक गाढ़ा में तो पानी ही निकला था, पी के चला जाते। वैष्णव बोले मैं तो यही बात आपको बता रहा था, अगर सारी पूजा पद्धति 40 सब कुछ अगर भगवान कृष्ण में लगा देते आपको तो भक्ति ही मिल जाता, इतने 56 कोटि 33 कोटि देवता के एक से ए से जेड तक पूजा करना क्या जरूरत है। एक समय एक मुसलमान और हिंदू में लड़ाई हो गई, हिंदू ने कहा मेरे देवता बड़ा है, मुसलमान ने कहा मेरे अल्लाह बड़ा है। बोले किसके भगवान बड़ा है परीक्षा किया जाए, बोले कैसे, बोले चलो एक पेड़ के ऊपर में चढ़ते और अपना अपना भगवान का नाम को लेकर के छलांग लगाएंगे, जो बच जाएगा समझेगा उसका ही ठाकुर बड़ा है। अभी मुसलमान चढ़ा पेड़ गोबर में, उसको एक अल्लाह को मानता है, उसने अल्लाह को एक मन से पुकारा, बोले हे अल्लाह अगर तू सच्चा है तेरे नाम को लेकर के मैं कूद रहा हूँ, मेरे प्राण बचा। वो एक अल्लाह को पूछता है, वहां से छलांग लगाया तो उसको कुछ नहीं हुआ। अभी ये हिंदू चढ़ा, ये तो एक को नहीं सारा दुनिया को पूजा करता है। बोले हे गणेश जी, हे सूट वाले बाबा, आप तो विघ्न विनाशन करने वाले हो, आपका नाम को लेकर मैं कूद रहा हूँ, आप मेरे को प्राण बचाना। फिर सोचा भैया उसको मैया को थोड़ा क्यों नहीं बुला। बोले हे माता जी जगदम्बा जगत जननी, तेरे नाम को लेकर मैं कूद रहा हूँ प्राण बचाना। पहले तो आए थे गणेश जी बचाने के लिए, जब देखा इन्होंने माता जी को पुकारने लगे, बोले भैया इसको मेरे प्रति विश्वास ही नहीं, मेरे को बुलाया मैं बचाने के लिए, आज मेरे भैया को बुलाने लग गया। फिर सोचा उसको पिताजी को क्यों थोड़ी नहीं बुला ले। बोले हे भोले बाबा आपका नाम लेकर के मैं कूद रहा हूं, अभी सब एक 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 करके बुलाने लग गया, एक जाए एक आए एक जाए, लास्ट में कूदा ना उसका हाथ पैर ही टूट गया। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते देखो, बोले एक साधे सब साधे, सब साधे सब जाए,
मन कितना है? एक ना दस विश मन है, एक। इसलिए मीरा कहती है मेरे तो गिरिधर गोपाला दूसरा ना कोई। गोपियां कहती हैं जब उद्धव जी ब्रज में गए और गोपियों को ध्यान की बात बताई, गोपियां क्या कहती, बोले उद्धव मन ना भयो दस बीस, एक मन सो गए श्याम संगे को आराध ईस। तो ध्यान की बात कर रहे हो ना, ध्यान तो मन से होता है, मन तो दस बीस है ही नहीं, मन तो एक है, वो तो जब से कन्हैया गया उसको साथ भी चला गया, फिर ध्यान कैसे करेगी। हाँ, ये चीज को समझो, ये जो भक्ति है ना ये एक पतिव्रता नारी की धर्म है। पतिव्रता नारी किसको कहते हैं? जो एक पति की सेवा में ही अपना जीवन को गमा दे, उसकी चरण सेवा में, तभी तो पतिव्रता नारी कहेंगे ना, नहीं तो पतिव्रता नारी नहीं। इसलिए भक्ति ऐसे एक चीज है, बताओ हनुमान जी का इष्ट कौन है? राम है। गोस्वामी तुलसीदास जी की बोलो राम है, हैं? इसलिए गोपियों की कृष्ण है, मीरा की कृष्ण है, सूरदास की कृष्ण। आप किसी अगर किसी किसी भक्त का नाम उठा, देखो वो एक को एक निष्ठ होकर के भक्ति की है, बहु निष्ठा से भक्ति नहीं मिलेगी, लास्ट में खुदेगा ना हाथ पैर टूट जाएगी तुम्हारी। इसलिए आप महाभारत देखे होंगे, गीता सुने होंगे, जब अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था कृष्ण ने क्या किया, देखो इतना चीज समझ लो, कृष्ण विराट रूप दिखाया, अच्छे तरह से दिमाग में बैठा, बोले अर्जुन देख मैं कौन हूँ, जिसको तुम शंकर कहते हो ना वो शंकर देखो मेरे में, जिसको तुम हनुमान कहते हो देखो ये हनुमान मेरे में, जिसको तुम गणेश कहते हो देखो वो गणेश मेरे में, जिसको तुम देवी कहते हो देखो ये देवी मेरे में, जिसको तुम इंद्र चंद्र वायु वरुण कहते हो देखो ये 33 करोड़ देवता मेरे अंदर में। हे अर्जुन मत परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, हे अर्जुन मेरे को छोड़ करके दुनिया में और कोई है नहीं, मैं ही दुनिया का मालिक हूँ। इसलिए लास्ट में कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अर्जुन सब छोड़ करके मेरे शरण में आ जाओ। फिर प्रश्न करते पाप नहीं लगेगा, फिर हम इतना देर से उसको पूजा कर रहे थे, उसका पूजा कर रहे थे, उसकी फिर को नाराज नहीं हो जाएंगे? कृष्ण दूसरे लाइन में कहते हैं अहम त्वाम सर्व पापे मोक्षयिष्यामि, मां सोचो कोई चिंता मत करो, तेरे को मैं सारे पाप से मुक्त करा दूंगा। बोले क्यों? बोले ये जितनी 33 करोड़ देवता है ना ये सब के सब मेरे शरीर में, मैंने उनको एक एक पोस्ट में दिया है, इंद्र को वर्षा की देवता, अग्नि को अग्नि देवता, वायु को वायु देवता, लक्ष्मी को मैंने पैसा की देवता बना दिया, हैं? सरस्वती की विद्या की देवता बना दिया, मैंने इनको एक एक पोस्ट में नियुक्त किया। मोदी का नाम सुने हो? कौन कौन मोदी को जानते हो? सब जानते हो। जैसे उसने किसको वित्त मंत्री, किसको विद्या मंत्री, किसको देश मंत्री, किसकी रक्षा मंत्री बना दिया, सबको अलग अलग पोस्ट दे दिया। अगर कोई व्यक्ति मोदी को शरण में आ जाए, अगर ये सब मंत्री को पता चले भैया ये अमित शाह है, ये मोदी को पास में रहने वाले, फिर उसको पीछे कोई नहीं पड़ेगा, भैया अपना नौकरी जाएगी हमारी। उसी तरह जब हम भगवान कृष्ण के शरण में आ जाए ना, इसलिए कहते हैं ना जा पर कृपा हरि की होई, तापर उसके बाद बोलो तापर कृपा करे सब कोई। जब भगवान के शरण में आ जाते है ना, ये जितने लक्ष्मी सरस्वती ग्रह चंद्र, जितने शनि सोम मंगल, ये जितने ग्रह है ना, ये सब के सब तुम्हारी अनुकूल बन जाएंगे, कोई विरोध नहीं करेगा। क्यों? पता चलेगा हमारे प्रभु को पास में गए, नहीं तो तुम्हारी शनि पीछे पड़ जाएगी, नहीं तो कोई मंगल पीछे पड़ जाएगी, नहीं तो कोई बृहस्पति पड़ जाएगी, नहीं तो सब ग्रह तुम्हारे सब पीछे पड़ जाएंगे। लेकिन जब कृष्ण का शरण में आ जाए ना, ये सारे ग्रह तुम्हारी अनुकूल बन जाएंगे, कोई तुम्हारी विरोध नहीं करेंगे, ठीक है ना। इसलिए एकनिष्ठ होकर के भगवान की भक्ति करनी, सबका सम्मान दो, इसको असन्मान मत करो, सबको सम्मान दो। लेकिन जैसे जैसे घर में तुम्हारी शादी हुई, घर में सास भी है, ननद भी है, जेठ भी है, देवर है, सबको आदर करती कि नहीं बताओ? आदर करती कि नहीं? करती हो। लेकिन हृदय में किसको बैठा है? बोलो हृदय में किसको बैठा है? अरे बोलो पति को। हृदय में, हृदय में और किसको नहीं बैठा है? तो हृदय में
लेकिन ऊपर से सम्मान सबको करता हूँ, असन्मान किसको नहीं, लेकिन दिल में किसको बैठा हूँ, पति अगर लड़ाई हो गया सास ससुर देवर जेठ से किसको लेकर अकेले हो जाओगे, किसको लेकर अकेले हो जाओगे, पति को लेकर अकेले हो जाओगे। इसलिए हमारे जो देवता है ना, कौन है, श्री कृष्ण है, ठीक है ना, सबको आदर करो, लेकिन हृदय में मेरे तो गिरिधर गोपाला दूसरा ना कोई। बस हाँ बस एकादशी व्रत की जय जय श्री राम। इसलिए कल सबके सब आज एकादशी व्रत के और एक माला करके ना, किस पर आधारणी बनाया, किसको बनाया, किस पर आधारणी कि नहीं बनाया, बनाया किसको, कौन राधा रानी बनी बनाया ना, ठीक है, अब एक माला कर देते राधा रानी आएगी भर जाएगी। इसलिए कल गिरिराज की पूजा, ठीक है ना, कल गिरिराज की पूजा, सब घर से कुछ ना कुछ गिरिराज के लिए बना करके लाना, कल यहाँ गिरिराज की परिक्रमा करेंगे। देखो जो गिरिराज की जो पूजा की बड़ी महत्व है, इसलिए गिरिराज का एक नाम है सर्व अभिष्ट प्रदाता, मतलब सब इच्छाओं को, ज्यादा तेज कर दो, सब इच्छाओं को ये पूरी करने वाले श्री गिरिराज गोवर्धन, सब इच्छाओं को। गिरिराज कौन कौन गए हो, परिक्रमा कौन कौन लगाए, देखना गिरिराज में आप देखना, वहां पर पत्थर के ऊपर में पत्थर रखा हुआ, जानते हो क्यों पत्थर रखा हुआ, मतलब जिसको जितने मंजिल मकान चाहिए वो जितने पत्थर के ऊपर पत्थर रख लेना, ठाकुर जी उतना मंजिल मकान बना देते, इसलिए वहां पत्थर के ऊपर पत्थर रखा हुआ। आप देखना वहां पर पेड़ में सब कपड़े सब धागा सब लपटे करके जाते हैं, बोले क्यों।